खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मणिनाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। आखिर सैलरी का कितना हिस्सा जाता है होम लोन की ईएमआई पर? कौन सी एयरलाइन दे रही केवल 1799 रुपए में एयर टिकट और कौन सी बड़ी कंपनी करने जा रही है छटनी, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भरोसा जताया है कि वित्त वर्ष 2027-28 तक भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा और 2047 तक भारत $30 ट्रिलियन जीडीपी के साथ विकसित अर्थव्यवस्था बन जाएगा। फिलहाल भारत की अर्थव्यवस्था $3.4 ट्रिलियन की है और अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। सपनों के शहर मुंबई में जो लोग होम लोन लेकर घर खरीदते हैं उनके आय का 50% से ज्यादा रकम होम लोन के ईएमआई के भुगतान में ही चला जाता है। हाल में रियल एस्टेट कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इंडियाज प्रोप्राइटरी अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश का सबसे महंगा रेजिडेंशियल हाउसिंग मार्केट मुंबई है। नाइट फ्रैंक के मुताबिक मुंबई की अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स 50% से ऊपर है, यानी कि मुंबई वासियों के इनकम का 50% से ज्यादा रकम होम लोन के ईएमआई में खर्च हो जाता है। 2023 में मुंबई के होम बायर्स को अपने इनकम का 51% रकम ईएमआई में भुगतान में खर्च करना पड़ा है। 2 साल पहले तेज हुई वैश्विक छटनी की रफ्तार के 2024 में भी थमने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। अभी भी दुनिया भर में कंपनियां बड़े पैमाने पर अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही है। अब इस कड़ी में नाम जुड़ने वाला है दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार जेफ बेजोस की कंपनी अमेज़न का। अमेज़न ने कुछ समय पहले लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म चलाने वाली फर्म ट्विच का अधिग्रहण किया था। अब खबरें हैं कि ट्विच में बड़े पैमाने पर छटनी होने जा रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि ट्विच अपने करीब 35% कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। हालांकि अभी तक कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। फ्लाइट में सफर करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक स्पेशल प्रमोशनल कैंपेन लॉन्च किया है। इस कैंपेन का नाम है टाइम टू ट्रैवल। इसके जरिए देश के कई हिस्सों में मात्र 1799 रुपए में ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है। एयरलाइंस का ये ऑफर 11 जनवरी 2024 से 11 जनवरी 2025 तक, यानी कि 1 साल तक वैलिड रहने वाला है। इसमें यात्रियों को केवल 1799 रुपए में बेंगलुरु से चेन्नई, दिल्ली से जयपुर, बेंगलुरु से कोची, दिल्ली से ग्वालियर और कोलकाता से वाघडोगरा के लिए सस्ती कीमतों पर सफर करने का मौका मिल रहा है। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। 2023 में 15.3 लाख ईवी बिके, जो 2022 से 49.25% ज्यादा है। 2022 में 10.25 लाख ईवी बिके थे, लेकिन इसी दौरान इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 115% बढ़कर 82,000 से ऊपर निकल गई। ऑटो डीलर्स ऑर्गेनाइजेशन फाटा के मुताबिक 2023 में 82,105 इलेक्ट्रिक कारें बिकी। ये 2022 में बिकी 38,240 ई कारों के मुकाबले 2 गुना से ज्यादा, यानी कि 114.71% है। बीते महीने देश में कारों की कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी 2.5% हो गई, जो दिसंबर 2022 में 1.3% थी। अब इलेक्ट्रिक वाहनों के बाद बात इलेक्ट्रिक हाईवेज की। पेट्रोल डीजल की खपत घटाने के लिए सरकार गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पर 6,000 किलोमीटर लंबा इलेक्ट्रिक व्हीकल रेडी हाईवे तैयार करने की योजना बना रही है। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इलेक्ट्रिफिकेशन के जरिए वाहन उत्सर्जन को भी कम करने में मदद मिलेगी। ई मोबिलिटी को अपनाने में तेजी लाने और देश भर में ई बसों का परिचालन बढ़ाने के लिए अगले 7 सालों में 6,000 किलोमीटर लंबा ई हाईवे विकसित किया जाएगा। ये हाईवे ग्रीन एनर्जी वाले चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से संचालित होंगे। नई हाईवे से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे ज्यादा लोग अपने डेली ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। इस साल रबी प्याज के रकबे में 10 से 15% की कमी देखी जा रही है।
देश के कुल प्याज उत्पादन में 17% हिस्सा रबी फसल का होता है। रबी प्याज की शेल्फ लाइफ करीब 5 से 7 माह तक होती है। मार्च से सितंबर तक बाजार में रबी प्याज की बिक्री होती है, इसलिए रबी प्याज के उत्पादन में गिरावट की खबर सरकार के लिए चिंता बढ़ा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों में उत्पादन 20% तक घटने से मार्च अप्रैल में फूड इन्फ्लेशन एक बार फिर ऊंचे स्तर पर पहुंच सकती है। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉरपोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता, अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।